अब डरना नहीं तुम्हें, अब मरना नहीं तुम्हें, जीवन की बगिया को सांसों से सींचोगे, जानोगे तो जीतोगे, जानोगे तो जीतोगे, जानोगे तो जीतोगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जानोगे तो जीतोगे। जी हां, कैंसर के खिलाफ जंग जीत चुके योद्धाओं और डॉक्टर्स का मानना है कि कैंसर को हराने के लिए दवाइयों और सही जानकारी के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी बेहद जरूरी है। कैंसर को समाज में इस तरह की लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कैंसर का दूसरा नाम मौत है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हंसते मुस्कुराते ये चेहरे उन योद्धाओं के हैं जिन्होंने कैंसर को हराकर दूसरों के सामने मिसाल पेश की है। लेकिन जब ये खुद कैंसर से जूझ रहे थे उस वक्त इनके अपने ही इनका सहारा बने। निशू की दो छोटी बेटियों और पति ने उनका साथ दिया। उन्हें लगता है मरीजों को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जो कैंसर को लेकर निगेटिविटी पैदा करते हैं। घर वालों का सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास बिल्कुल भी वैसे लोगों को तो आने ही नहीं देना चाहिए जो बोले हाय क्या हो गया, अरे अब तो तू बचेगी नहीं, अपने बच्चों को दूर रख, ये कर। बहुत ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल दूर रखिए। घर में फैमिली को चाहिए एक बहुत खुशी का माहौल बना के रखें। आपको अपने रोजमर्रा के काम करने चाहिए और उनको भी आपको रोकना नहीं चाहिए। आप जितना बिजी रहेंगे उतना आपका दिमाग बीमारी की तरफ कम जाएगा और उतना आप खुश रहेंगे, और जितना आप बिजी रहेंगे बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। और अपने अंदर एक विल पावर बना के रखिए कि ये तो कुछ नहीं है, फीवर जैसे आता है चला जाता है, ये भी एक बीमारी है, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, महंगा भी है, पर चली जाएगी बीमारी। सुनीता ने भी कैंसर को मार दी है। उनके पति और बच्चे हर कदम पर उनके साथ खड़े नजर आए। वो भी मानती हैं अपनों का साथ और पॉजिटिव सोच कैंसर को जल्दी हराने में मददगार है। अगर साथ वाले पॉजिटिव होंगे तो पेशेंट अच्छा सर्वाइव करेगा और जल्दी रिकवरी करेगा, क्योंकि पेशेंट को पॉजिटिविटी जरूर मिलनी चाहिए। अगर नेगेटिव विचारों वाले लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो उनको बोलेंगे कि तुम क्योर नहीं हो सकते तो वो उसकी हिम्मत टूट जाएगी पेशेंट की। इसलिए जरूरी है कि कोई भी जो भी बंदा मिले वो पेशेंट के साथ कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार ना शेयर करे कि ये क्योरेबल नहीं है या कुछ भी, क्योंकि कैंसर क्योरेबल है लेकिन उसमें हिम्मत की जरूरत है। प्रीति के पिता को कैंसर हुआ तो उन्हें भी समझ में आया कैंसर पेशेंट के परिवार को किस तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। प्रीति ने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो पिता के साथ हर कदम पर डट कर खड़ी रही। I have come across lot of problems, क्योंकि जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो प्रॉब्लम एक्चुअली फैमिली में इतना नहीं होता जितना सोशली होता है। Everyone starts saying कि okay, cancer है, that means death sentence है। And moreover, जो हम बच्चे हैं उन पे ज्यादा negative effects आते हैं कि okay, बच्ची है, जवान है, शादी कर दो, ये कर दो, मतलब different different negative aspects ही आते हैं। कोई कहता है कि अच्छा घर पे जवान लड़का है, अब तुम्हें ही सबकी देखभाल करनी है। But I feel कि उस time पे अगर हम ये mental trauma से already बंदा गुजर रहा होता है, इन negative aspects को ना दे करके अगर हम ये बोलें कि आप अपनी health पे concentrate करो तो आई डोंट थिंक सो कि इलाज मुश्किल है। इलाज में हर डॉक्टर बोलता है कि पॉसिबिलिटी है इलाज से सर्वाइव करने की, बट प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब आप उसको नेगेटिविटी पर वहाँ पे परसिस्ट करती है। मरीजों के अंदर कैंसर को हरा चुके विजेता और उनके परिजन तो हौसला भर ही रहे हैं, लेकिन लोगों में पॉजिटिव एनर्जी और काउंसलिंग के काम में साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी लगे हैं। इरफान हमजा बताते हैं कि उन्हें लोगों को समझाना होता है कि मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद कैंसर को हराना मुश्किल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब किसी को डायग्नोसिस होता है कैंसर, स्पेसिफिकली लिम्फोमा, तो उनको ये लगता है कि अब ये डेथ सेंटेंस है और हम कुछ टाइम में शायद
मर जाएंगे। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं इतनी गैदरिंग, आज एक ग्रैंड गैदरिंग, वो एक अपने आप में ही एक एग्जाम्पल सेट कर लिया है लोगों ने कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है, ये बस हमारी लाइफ का एक पन्ना है, पूरी लाइफ फिर बाकी है। तो मैं बस आपके माध्यम से या अपने ग्रुप के माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस दूंगा कि ये सिर्फ एक लाइफ में आपका एक फेज है, एक चैलेंज है आपकी लाइफ में। एंड आई एम श्योर कि आपकी हिम्मत, आपकी जानकारी और आपके कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल इस सफर में कामयाब होंगे, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छी जानकारी हो और आपको अपनों का साथ और एक पॉजिटिव सोच लेके इस चीज को चैलेंज एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़े। जाहिर सी बात है, अपनों का साथ हर बिगड़ी बात बनाती है। कैंसर के मरीजों को भी इस बीमारी को मात देने के लिए अपनों के साथ के अलावा हौसले की जरूरत होती है, जो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से मिलता है। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ शरद अवस्थी, एमएचओ न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कैंसर का इलाज मौजूद है और वक्त पर इस बीमारी का यदि पता चल जाए तो मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कई बार इलाज काफी महंगा होता है और लोग जो है इसका इलाज नहीं करवा पाते। सही जानकारी से कैंसर से लड़ाई के लिए पैसों का इंतजाम भी मुमकिन है। देश में हर साल कैंसर के 3 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं, हजारों मौतें भी होती हैं। कई बार पैसे की कमी और इलाज के ज्यादा खर्च की वजह से लोग कैंसर का इलाज तक नहीं शुरू करवाते। ऐसे में अब कैंसर को हराने के लिए लोगों की सहूलियतों को लेकर आवाजें भी उठ रही हैं। यहाँ पे 2-3 इशू पे डिस्कस हुआ है। सबसे पहला इशू तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है वो हम लोगों के लिए उठाया जाए और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट सोचे और इंश्योरेंस हमें दी जाए ताकि हम अपना इलाज अच्छे से कर सकें और फैमिली पे बोझ ना बने। हालांकि महंगे इलाज के बावजूद भी लोगों तक यह संदेश पहुंचाना भी जरूरी है कि पैसे की कमी भी कैंसर की लड़ाई के आड़े नहीं आएगी। सरकार के साथ साथ कई संस्थाएं और अस्पताल भी लोगों की मदद करते हैं, बस इसकी जानकारी होनी चाहिए। बीमारी का है या फिजिकल है, मेंटल ट्रॉमा है, और कई बार देखता हूं कि जो फाइनेंशियल ट्रॉमा है कई बार वो और ज्यादा हावी हो जाता है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से हम मदद करें और ये मदद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से करते हैं हम लोग, और हमारी यही कोशिश है कि आगे और भी ज्यादा मदद हो सके, खासकर जिनको जिनके पास साधन नहीं है और जो बहुत गरीब है, दूर के इलाके आते हैं, तो कई स्कीम्स हमारे यहाँ पे और हम करते हैं। कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कैंसर को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। ऐसी संस्थाओं और कंपनियों का लक्ष्य है कि आम लोगों तक कैंसर से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचें ताकि वो किसी भी तरह से हताश और निराश ना हो। हमारा ऑब्जेक्टिव इन सब प्रोग्राम को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक लेके एक बहुत बड़े लेवल तक जाने की, हर सोसाइटी में तक ले जाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस प्रोग्राम को हम स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक, हम हर सोसाइटी में, हर घर तक ले जाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। कैंसर को हराने की लड़ाई में जुड़े सभी लोग मानते हैं अगर ये तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी तो वो हार नहीं मानेंगे। आज जिस पेशेंट को जीवन मिला और उससे रिलेटेड डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन ये दी है कि कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो तो नारा हम भी दे रहे हैं कि जानोगे तो जीतोगे। ये चीज हम भी कह रहे हैं कि आप जानो कैंसर के बारे में तभी जीतोगे, और हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम में हम अपील करते हैं आपसे कि आप सब जुड़िए। ये अपील पब्लिक के लिए है। अगर कैंसर का पता शुरुआत में ही लग जाए तो इलाज बहुत महंगा नहीं, अगर देर भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं ऐसे लोगों की मदद करती हैं और सही जानकारी हो तो आर्थिक मदद मिलनी भी मुश्किल नहीं है। कैमरामैन नरेश चौहान के साथ शरद अवस्थी, एमएचओ न्यूज, दिल्ली। अब डरना नहीं तुम्हें, अब मरना नहीं तुम्हें, जीवन की बगिया को सांसों से सींचोगे, जानोगे।
तो जीतोगे।